नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं अनुराग और बता रहा हूं कि बिहार में ठंड बढ़ गई है। पटना में बहुत ठंड है अभी लोग जो है गर्मी में, ठंड में, आपकी जगह ठंड में घर से बाहर निकलना मुश्किल है, लोग ठिठुर रहे हैं। इस बीच बिहार की सियासत गर्म है। जी हाँ, बिहार की सियासत बिल्कुल गर्म है। कल दही चूड़ा खाने के बाद से सियासत में फिर से एक बार जो है गर्माहट आ गई है। दरअसल कल जो है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा कर दिया था कि महागठबंधन में टूट होगी, उसके बाद लगातार महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से हमले पर हमले किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से भी सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। आपको बता रहे हैं, एक ट्वीट किया गया है आरजेडी की तरफ से, उसमें लिखा गया है बिहार में अब लोगों को घर में भी डर लगने लगा है, सरकार और पुलिस लोगों की हिफाजत करने में फेल हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक के नाम पर भिक्षा बैठक कर आरसीपी टैक्स अंतर्गत वसूली मांगने में लीन है। तो सरकार पे बड़ा आरोप लगा दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि सरकार जो है समीक्षा बैठक की बजाय भिक्षा बैठक कर रही है। और आरसीपी सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है जेडीयू का, वो टैक्स की वसूली कर रही है। दरअसल तेजस्वी यादव बार बार आरसीपी टैक्स की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। पिछले दिनों भी, मतलब पिछली सरकार में भी, वो चर्चा करते रहे हैं कि आरसीपी टैक्स वसूला जाता है अधिकारियों से, यानी अधिकारियों से टैक्स वसूली कर उन्हें मनमाने जगह पोस्टिंग दी जाती है, सरकार के तरफ से ये टैक्स वसूला जाता है, तेजस्वी आरोप लगाते रहे हैं। और अब पटना की घटना के बाद, यानी पटना में जो मर्डर हुआ है उसके बाद, आरजेडी लगातार सरकार पे हमलावर है और तेजस्वी यादव खासकर बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। और उन्होंने कह दिया है कि अगर इस तरह से आरसीपी टैक्स वसूली करके अगर अधिकारियों की पोस्टिंग होगा तो क्या होगा, अधिकारी नकारा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड में आज लगभग 60 घंटे बीत जाने के बाद भी पटना पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका है। पुलिस अंधेरे में हाथ पैर चला रही है, हालांकि दावा जरूर कर रही है कि अहम सुराग उन्हें मिल गया है, पर अभी तक फिलहाल पटना पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं लग सका है। रुपेश सिंह हत्याकांड में बवाल मचा हुआ है, सरकार गिर रही है। नीतीश कुमार ने तमाम तरह के निर्देश भी दिया और डीजीपी को साफ साफ कह दिया था कि जल्द गिरफ्तारी किया जाए हत्यारों की और उन्हें स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जाए, पर यहां हत्यारों का पता ही नहीं चल सका है। तो आरजेडी गर्म है पूरा और आरजेडी की तरफ से हमले पर हमले किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हमला बोल दिया है फिर से एक बार और आरसीपी टैक्स की चर्चा फिर से छेड़ दिया उन्होंने, तेजस्वी यादव ने। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेसर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।